हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकओवर बाय कनिका। और हाँ, सबको हैप्पी न्यू ईयर। सो ये है मेरा 2024 का सबसे पहला लुक आपके लिए, जो मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। बहुत ही प्यारा ग्लोई एंड ड्यूई मेकअप है। आप देख सकते हो कि आप इसको बहुत इजीली कहीं पे भी बहुत इजीली कैरी कर सकते हो। मतलब अगर आप ऑफिस गोइंग हो तो भी आप इसको कर सकते हो। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना प्लीज़। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र। सो यहाँ पर मैंने निविया का मॉइस्चराइज़र अप्लाई करा है। आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कोई भी मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं। नेक्स्ट मैं अपने स्पॉट्स को हाइड करने के लिए यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का कलर करेक्शन पैलेट। और उसमें से मैं एक अपनी स्किन टोन से मिलता जुलता और थोड़ा सा मतलब डार्क भी हो जाए अगर वन या टू शेड तो चलेगा, वो वाला शेड अप्लाई कर रही हूँ, जिससे कि मेरे स्पॉट्स जो है वो हाइड हो जाए और कोई भी मतलब जैसे डार्कनेस है, पिम्पल स्पॉट्स हैं, सो इस स्टेप से वो बहुत ईजिली जो है हाइड हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं अपने फिंगर की हेल्प से ही इसे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि जो फिंगर की जो वॉर्म्स होती है ना, वो इससे उससे ये और भी अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाता है। एंड उसके बाद मैं एक स्पॉन्ज की हेल्प से इसको ब्लेंड कर दूँगी। सो उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी फाउंडेशन, और फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ NYBE की फाउंडेशन। डॉटिंग मेथड की हेल्प से मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करूँगी पहले फाउंडेशन को, एंड उसके बाद एक डार्क स्पॉन्ज की हेल्प से ना मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। सो आप कई कहते हैं कि हमारा फेस जो है वो क्रैक्स आ जाते हैं ना, वो उसमें होता है कि आपके जो स्पॉन्ज होता है ना उसमें या तो आप वाटर अच्छे से स्क्वीज नहीं करते, और वो वाटर जब आपकी फाउंडेशन के साथ मिक्स होता है तो आपके बाद में क्रैक्स पड़ जाते हैं, ग्रे पड़ जाती है। सो प्लीज़ अपने जो ब्लेंडर है ना उसका सारा का सारा पानी स्क्वीज आउट करके ही अब ब्लेंड करना। नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ लिक्विड ब्लशर। सो मैं जो क्रीम प्रोडक्ट या लिक्विड प्रोडक्ट है ना वो पहले अप्लाई कर रही हूँ, सो दैट मुझे मैं फेस सेट करूँ तो वो भी अच्छे से सेट हो जाएंगे बाद में। और लिक्विड ब्लश के बाद मैं अपनी आईब्रोज को डिफाइन कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैं एक आईब्रो डिफाइनर यूज़ कर रही हूँ, ब्लू हेवन का आईब्रो डिफाइनर है जिसका शेड है डार्क ब्राउन। उससे मैं अपनी आईब्रोज को अच्छे से शेप दूँगी। और सबसे पहले आपने मिडल से स्टार्ट करके बैक में जाना है एंड फिर फ्रंट में शेप देनी होती है। नेक्स्ट हम आते हैं आई मेकअप में। सो आई मेकअप में मैं ये टेप मेथड यूज़ करूँगी। सो यहाँ पर अगर आप बिगिनर हैं और आपको आईलाइनर लगाने में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप इस हैक से लगाना, आपका एकदम परफेक्ट आईलाइनर लगेगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और बहुत ही प्यारा विंग भी आएगा इससे, देखना। सो मैं लिक्विड लाइनर अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे माई ग्लैम का मैं लाइनर अप्लाई कर रही हूँ, और मैं एक विंग लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। एंड उसके बाद जहाँ पे भी मैंने ब्लैक लाइनर अप्लाई किया था ना, उसके ऊपर ना मैं एक पिंक कलर का लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैं एक लिप पैलेट में से पिंक शेड का लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। और ये भी एक बहुत अच्छा हैक है कि अगर आपके पास भी पिंक कलर का आईलाइनर नहीं है, सो आप ऐसे अपनी लिपस्टिक पैलेट में से या किसी भी लिपस्टिक से ऐसे अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा उससे आई लुक हो जाता है। सो उसके बाद मैं टेप रिमूव कर रही हूँ, और आप देख सकते हो कि मेरा आईलाइनर कितना प्यारा लगा, कहीं से भी कोई टेढ़ी मेढ़ी लाइन्स ही नहीं आई। एंड उसके बाद जो बाकी की बची हुई आईलिड है ना, मैं उस पर एक शिमर शेड अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं अपने आई मेकअप को कंप्लीट करने के लिए अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा। आप अगर फॉल्सीज आप नहीं भी लगाना चाहते, सो आप 2 to 3 कोट्स अच्छे से मस्कारा की अप्लाई करना, वो भी बिल्कुल आपको फॉल्स लैशेज वाला ही लुक देते हैं। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ एक हाइलाइटिंग कंसीलर, और आप देख सकते हो मैं कहाँ कहाँ पे कैसे अप्लाई कर रही हूँ। इससे जो है ना मेरा फेस जो है वो थोड़ा सा लिफ्टेड लगेगा। सो अपने फेस को लिफ्ट देने के लिए मैं ऐसे लाइनर ऐसे कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। एंड उसके बाद मैं उसको अपवर्ड डायरेक्शन में ही ब्लेंड कर दूँगी अपने ब्लेंडर की हेल्प से। तो इसके बाद मैं अपने फेस को ना पाउडर की हेल्प से सेट करूँगी, और
वैसे तो विंटर्स में हमें ज़्यादा पाउडर प्रोडक्ट की नीड नहीं होती, बट आप अपने फेस को किसी भी लूज पाउडर से या किसी भी कॉम्पैक्ट से ना सेट कर लेना। और उसके बाद मैं कर रही हूँ अप्लाई कॉन्टोर। कॉन्टोर शेड जो है मेरा वो सेम इन साइड की पैलेट में से ही मैं एक ब्राउन शेड लेके उससे कॉन्टोर कर रही हूँ। और उसके बाद मैं एक डार्कर के ना ब्राउन्जर से ना अपने कॉम्पैक्ट को भी ना अच्छे से सेट कर लूँगी एंड अपना नोज कॉन्टोर भी करूँगी। और फोरहेड पे अगर आपको नीड है तो आप कॉन्टोर करना, अदरवाइज आप स्किप करना। फिर नोज कॉन्टोर करने के बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा अपने लोअर लैश लाइन पे। प्लीज़ वीडियो को पूरी तरह देख के लाइक ज़रूर करना अगर अच्छा लगे। नेक्स्ट बारी आती है लिपस्टिक की। सो सबसे पहले मैं एक डार्क ब्राउन शेड के लिप पेंसिल से अपने लिप्स को शेप कर रही हूँ। अपने लिप्स के आउटलाइन पे मैं इस पेंसिल को पहले अप्लाई करूँगी एंड देन जो सेंटर पार्ट है मेरा उस पर एक बिल्कुल न्यू शेड अप्लाई कर रही हूँ। मैं एक माई ग्लैम का ये न्यू शेड है एंड उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर। सो ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप आपको अच्छा लगे। सो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक ज़रूर करना। बाय।